हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख, आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें न्यू बिगिनर्स को ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो डर जाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे सामने ब्रिज है। क्या होता है, अक्सर हमारे को स्लोपिंग वाली जगह पे गाड़ी रोकनी पड़ती है, चढ़ान पे गाड़ी रोकनी पड़ती है। कई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हमको गाड़ी रोकनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बिगिनर्स काफी डर जाता है कि गाड़ी क्या होता है उनकी, अगर आप वो ब्रेक छोड़ते हैं तो पीछे जाने लगती है। ऐसी सिचुएशन में वो ब्लैंक हो जाते हैं और कुछ ऐसी गलती कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस बारे में मैं आपको बताने जाऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मेरा सामने क्लच भी दबा हुआ है, ब्रेक भी दबा हुआ है, अभी मुझे आगे जाना है, मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ। बट मैं अगर आप पहले ब्रेक को छोड़ता हूँ तो गाड़ी पीछे जाने लगती है, और पीछे जैसी जाती है तो बिगिनर्स डर जाता है। तो ऐसा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, क्लच को हाफ छोड़ना है। हाफ का मतलब ये होता है आपका बाइटिंग पॉइंट, वो आपको आपकी कार में पहचानना है। पहचानने का तरीके के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। आपको हाफ छोड़ना है। हाफ छोड़ते ही आपकी गाड़ी रिएक्ट करना चालू करेंगी, जैसे कि मेरी गाड़ी वाइब्रेट होना चालू हो गया। अब मैं धीरे से ब्रेक को छोड़ दूंगा और गाड़ी मेरी आगे बढ़ने लग गई। इसी प्रकार से दोस्तों, आपको जब भी आपकी गाड़ी हिल्स में या ब्रिज में आपको रोकना पड़े और गाड़ी ऐसी सिचुएशन में पीछे जाती है, तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए।